हनफी हैं, आज आप आमीन खामोशी से कर लेना, क्या कर लेना, आमीन जोर से न करना और अफले दल भी न करना, क्योंकि हजरत तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बड़े हैं हमारे। तो मस्जिद में जो है तो जो शाफी थे उन्होंने तो आमीन चुपके से कर ली, और जो आनाब थे उन्होंने हल्के जहर से कर लिया। अक्ल हैरान हो जाती, इतनी मोहब्बत। इसका मतलब तो यह नहीं कि हम भी ऐसा करें, नहीं, ये सिर्फ बताना यह है कि ये हजरत आपस में एक दूसरे के इकराम एहतराम कितना करते थे। आज तो एक दूसरे को तो नफरत की निगाह से देखा जाता है, ये हनफी है बस इतनी नफरत की निगाह से। और आवाम की बात तो छोड़ दीजिए, जो हजरत नमाज पढ़ाने वाले होते हैं, जुमा के वक्त पढ़वाते हैं, वो अगर जो वो कहते हैं कि भाई जो नाफ के नीचे हाथ बांधे, इस तरह से इन्हें क्या कुछ कहिए, गलत अंदाज में उसको पेश कर लेते हैं, और ऐसे ऐसे अल्फाज जुबान से निकालते हैं मेहराब पर कि आम आदमी शर्माता है। तो यह है वो हमारा नफ्सियाती इख्तिलाफ, क्या लेकिन फुकहाए किराम के ये इख्तिलाफ, ये तो रहमत है, इसमें वसत है। और ये इख्तिलाफ सिर्फ इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा के दरमियान में नहीं, ये सहाबा किराम के दरमियान में था, सहाबा किराम के दरमियान में था, बिल्कुल था। किस ज़माने में? हुज़ूर पाक के ज़माने में ही। अच्छा, उस ज़माने में बिल्कुल। तो लेकिन एक दूसरे पर वो तान नहीं करते थे। उसके एक मिसाल में बताता हूँ बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को भेजा मदीना तैयबा से, फरमाया कि जल्दी कर लो, बनो कुरैज़ा जो यहूद का कबीला है वहाँ पहुँच जाओ। ये रिवायत में साथ में ये भी फरमाया, जल्दी चलो असर की नमाज वहीं पढ़ लेना। जल्दी जाओ असर की नमाज कहाँ? बनो कुरैज़ा में। बात हो गई। उसके बाद सहाबे किराम निकलने शुरू हो गए, चलते चलते देर हो गई, साथियों का इंतज़ार भी किया और कुछ सामान वामान उठाना था जो भी, तो निकल गए चले। रास्ते में असर का वक्त आ गया, देर हो गई। अब सवाल है कि असर का वक्त हो गया तो असर की नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, यह मसला है ना। सहाबे किराम में बाद लोगों ने कहा कि भाई तैयारी कर लो, जिसको वजू ना वजू बना लो, क्यों कहा नमाज़ पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो एक जमात ने कहा कि हज़रत ने तो फरमाया कि नमाज़ पढ़ लो कहाँ, बनो कुरैज़ा पहुँच कर, तो रास्ते में क्यों पढ़ेंगे। उन लोगों ने क्या बताया, हुज़ूर पाक का मंशा ये था जल्दी जाओ, क्या जल्दी। तो ठीक है, अगर हम असर के वक्त वहाँ पहुँचते तो वहीं नमाज़ पढ़ लेते, लेकिन अब तो असर का वक्त तो यही हुआ, तो ये कौन सी अक्लमंदी है, हम नमाज़ छोड़ देंगे। वो हुक्म अलग है, हुक्म अलग है, जल्दी जाना था। तो नमाज़ तो फ़र्ज़ है, इन सलात है कान अलमिन किताब मौकूत है, तो कज़ा हो जाएगी नमाज, देर हो जाएगी, तो इसलिए वजू बना लो, चलो ठीक है। उन लोगों ने कहा हम तो नहीं बनाएंगे, इसलिए कि ये तो हुज़ूर पाक के मंशे के ख़िलाफ़ हो जाएगा। और ठीक है, आप ना पढ़ें, हम तो पढ़ लेंगे, फिर देखा जाएगा। एक जमात ने नमाज़ पढ़ ली, एक जमात ने नमाज़ नहीं पढ़ी, जानबूझ कर उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? हुज़ूर पाक ने क्या फरमाया, बनू कुरैज़ा जाकर नमाज़ पढ़ लेना। बहरहाल बनू कुरैज़ा पहुँच गए तो नमाज़ कज़ा हो चुकी थी, अब उन्हें वहाँ नमाज़ पढ़ ली। अब जब वापस आ गए, अब बताने सुरे था, तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हमको आपस में इख्तिलाफ़ हुआ, हमको क्या करना चाहिए था। लेकिन सब आपस में घबरा रहे हैं, वो भी घबरा रहे हैं कि शायद हमसे गलती हुई, ये लोग अंदर से घबरा रहे हैं शायद हमसे गलती हुई, हमको तो वहीं जाकर पढ़ना था, और वो सोचते हैं कि हमको तो रास्ते में ही पढ़ना चाहिए। आपने इनसे फरमाया कि आप लोगों ने क्या किया, हज़रत हमने रास्ते में नमाज़ इसलिए पढ़ ली, हमने कहा नमाज़ फ़र्ज़ है, वक्त के ऊपर पढ़नी है, हम ये समझे आपका मंशा कि जल्दी जाना मकसद है क्या, कि जल्दी जाओ बनो कुरैज़ा जाकर असर की नमाज़ पढ़ लो, हम आपके इरशाद का यही मतलब समझे कि जल्दी, तो लेकिन हम जा नहीं पाए, देर हो गई, इसलिए हमने रास्ते में असर की नमाज़ पढ़ ली, यह समझ कर कि आपके फरमाने का मंशा यह है कि जल्दी जाना, लेकिन जल्दी हम जा नहीं पाए तो हमने रास्ते में नमाज़ पढ़ ली, यह समझ कर, ये तो फ़र्ज़ है और वक्त है, ठीक है। और आप लोगों ने क्या किया, हजरत हमने समझा कि नमाज़ वहाँ पढ़नी है, हमने समझा कि हुक्म यही है, हुक्म कि देर हो जाए या सवेर हो जाए, तो इसलिए हमने रास्ते में नमाज नहीं पढ़ी, यहाँ तक कज़ा हो गई, हमने वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ ली। अब मुझे बताइए, इन जो दोनों ये तबके थे इस वक्त, इनमें नाफरमानी किसने की और किसका जज्बा था नौज़ बिल्लाह में नाफरमानी का, किसी का था? पहली वाली जमात भी यही चाहती थी कि हुक्म हमसे पूरा हो जाए, दूसरी जमात भी यही चाहती थी हुक्म हमसे पूरा हो जाए। अब हुआ क्या, पहली वाली जमात ने उस
इरशाद के ऊपर गौर कर लिया कि इरशाद का मतलब क्या है, इरशाद का मतलब क्या, इरशाद का मतलब ये निकला जल्दी जाना, क्या जल्दी जाना। दूसरी वाली जमात ने अल्फाज को ले लिया, क्या ले लिया अल्फाज, बनू कुरैज़ा जाकर असर की नमाज पढ़ लेगा, तो उन्होंने ज़ाहिरी हदीस के अल्फाज पर अमल कर लिया, रास्ते में नमाज नहीं पढ़ी, वहाँ जाकर नमाज पढ़ ली। अब दो में से एक ही तो, या तो इन्होंने सही समझा होगा या तो इन्होंने, है ना जी, तो अगर इन्होंने सही समझा तो वो गलती पर है, और अगर उन्होंने सही किया तो ये गलती पर, दो में से दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों गलत भी नहीं हो सकते। अब जो सही होगा तो उसको शाबाशी देंगे, जिसने गलती की उसको तो डांट पड़नी चाहिए, लेकिन आपने ना इनको डांटा ना उनको डांटा, इनको फरमाया आपने क्या किया, हमने रास्ते में नमाज पढ़नी, फरमाया ठीक किया, आपने क्या किया हमने वहाँ जाकर पढ़ा, आपने भी ठीक किया, बस समझा गई, क्यों आप समझ गए कि मंशा इन दोनों का क्या था, तो इनका मंशा भी था कि अमल हो जाए हजूर पास उनके फरमान पर, लेकिन वो यही समझे कि जल्दी जाने का मतलब यह है कि असर की नमाज वहां पढ़ लो, जल्दी जाओ, और ये उर्फ आम में भी है भाई, जल्दी जाना पुलवामा में जोहर की नमाज पढ़ लेना, लेकिन अगर आपको देर हो गई तो क्या आप जोहर घर में नहीं पढ़ेंगे, तो ये वो यही समझे। इसको कहते हैं कि अल मुजतहिदु इज़ा इज्तहदा, अल मुजतहिदु, ये फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुजतहिद जब इज्तहाद कर लेता है कि वाज़े हुक्म नहीं है, क्या वाज़े, दो माना उसमें ये भी हो सकता है, ये भी, जब वो इज्तिहाद कर लेता तो एक जहत को मुतय्यन करता है, क्या, और फ़असाब, तो दुरुस्त नतीजे पर पहुंचता है, फलो अजरान, उसको दो सवाब है, कितने, दो, एक ही नहीं उसको दुगनी मजदूरी है। और जिस शख्स ने वो खता कर गया, मेहनत तो उसने भी की लेकिन सही नतीजे पर नहीं पहुंचा, फलो अजरुन वाहिद, उसके लिए एक अजर है, इनके लिए फलो अजरान डबल मजदूरी, उनके लिए सिंगल मजदूरी, गुना न इसको गुना न उसको, ये अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि मुज्तहिद को गुना होता ही नहीं, मुज्तहिद गुना। अब सवाल है कि इन दो जमातों में असल क्या था मंशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुहद्दिसीन ने फरमाया असल मंशा था जल्दी जाना, और जिन लोगों ने रास्ते में नमाज पढ़ ली उनका इज्तिहाद ज़्यादा दुरुस्त था, उनका इज्तिहाद बमुकाबले उनके। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद वाकयात पेश आए। एक मरतबा दो सहाबी जा रहे थे, तो उन्होंने तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, पानी नहीं था, आगे गए तो पानी मिला, अभी नमाज का वक्त बाकी था, एक सहाबी ने दूसरे से कहा सुभान अल्लाह पानी मिल गया, चलो वजू बना लेंगे नमाज पढ़ लेंगे दोबारा। उसने कहा क्यों, नमाज तो हो गई दूसरी क्यों? उसने कहा पानी आ गया, क्या आ गया, देखो पानी मिल गया, और जब पानी होता है तो उस वक्त तो वजू करना ज़रूरी है तयम्मुम। तो उसने कहा नहीं मैं तो एक मतलब पढ़ चुका, दोबारा क्यों पढ़ लूँ? उसने कहा मैं तो दोबारा पढ़ लूँगा, वो तो तयम्मुम से थी, तो पानी तो सामने है, वक्त भी है, वो आके वजू बना लिया और अल्लाह अकबर नमाज पढ़ ली उसने। उसने कहा तो भाई मैं तो नमाज नहीं पढ़ूंगा। सवाल है कि क्यों? इसलिए कि कोई शरी हुक्म मौजूद नहीं, अगर शरी हुक्म मालूम होता तो जाहिर सी बात है दोनों उस पर मुत्तफिक होते, लेकिन चूंकि शरी हुक्म नहीं था कि पानी वक्त पर मिल जाए तो नमाज को लौटाना है नहीं लौटाना है, बहरहाल मसला ख़त्म हो गया। अब यह है कि इन दो में से गलती किसने की, जिसने दूसरा फ़र्ज़ पढ़ लिया दोबारा, या तो उसने गलती की, या तो जिसने फ़र्ज़ पढ़ा ही नहीं दोबारा, या तो उसने दो में से एक ने गलती की होगी, ये दोनों मुज्तहिद थे क्या? इसलिए बाज़ लोग कहते हैं ना कि तुम शाफी हो जी, हनफी हो जी, तो अबू बकर सिद्दीक क्या थे, हनफी थे या शाफी? हम खामोश हो जाते हैं, हनफी भी नहीं थे शाफी भी नहीं थे, समझ में आ गया ना, ये बाद में आया है ये मसलक, जो सहाबा किराम थे वही बनना चाहिए। अल्लाह के बंदो सारे सहाबा मुज्तहिद थे, क्या थे? वो मुकल्लिद थे ही नहीं, बात समझ आ गई, वो खुद मुज्तहिद थे, इज्तिहाद के दर्जे पर पहुंच चुके थे, और उनको हाँ वो भी फतवा पूछते थे एक दूसरे से, अब्दुल्लाह बिन मसूद फतवा देते थे, हजरत अली करमुल्लाह ताला वजह फतवा देते थे। तो जब मुज्तहिद खुद ही हों उनको दूसरे की तकलीफ करने की क्या है ज़रूरत ही नहीं, और जब उनके छोटे दर्जे के हैं वो तो दूसरों से फतवा पूछते थे और फतवा पूछने के बाद उस पर अमल करते थे। तो बहरहाल ये दोनों सहाबी हैं, वो एक ये भी मुज्तहिद है वो भी मुज्तहिद, उसने भी अपने इज्तिहाद से काम लिया, उसने भी, आप दोनों वापस आ गए, सुन लीजिए रिवायत। तो उन्हें कहा अल्लाह के नबी को क्या करना चाहिए था, क्योंकि अब तो पहुंचे ना नबी करीम के पास, अब तो अपना इज्तिहाद नहीं चलेगा, अब तो अपना इज्तिहाद नहीं चलेगा, अब तो मसला मालूम करना है ना जी। तो फरमाया आपने क्या किया कि हजरत मैंने दोबारा वजू करके फ़र्ज़ दोबारा पढ़ लिया। फरमाया कि तुम्हें दुगना अजर है, क्या दुगना, तुम्हें
डबल मजदूरी है तुम्हें, दुगना अजर, इसलिए कि दोबारा वजू किया दोबारा। आपने क्या किया? कहा हजरत मैंने नमाज नहीं लौटाई, तो मैंने सोचा कि नमाज तो हो गई है तयमुम से, और दोबारा क्यों पढ़ूँ? क्यों पढ़ूँ? फरमाया असब्द सुन्नत है, असब्द सुन्नत पाली। क्या तुमने सुन्नत पाली, यानी सुन्नत यही है, इससे ये नहीं फरमाया तुम गुनाहगार हो गए, फरमाया कि तुम्हें तो दुगनी मजदूरी है, यानी जो तुमने अमल किया दोबारा नमाज पढ़ी वो ज़ाया नहीं हुई, अल्लाह ने उसका अजर दे दिया। अब मसला फिर मालूम हो गया कि जब किसी ने तयमुम किया हो और तयमुम करने के बाद उसने जो नमाज पढ़ ली हो, अगर अब पानी मिल जाए उसको तो नमाज लौटानी नहीं है, सुन्नत यही है, सुन्नत। तो आप न इससे नाराज़ हुए, आपने उससे नाराज़ हुए। अब मुझे बताइए, जब सहाबे किराम से आप नाराज़ नहीं हुए और सहाबे किराम की ज़िंदगी में ये मसाइल पेश आ गए, ऐसे ही दो सहाबा थे सफ़र में, तो सफ़र में थे तो जवानी का आलम है, तो बशरी तकाजे के एतबार से एक ने कहा मुझे गुसल की हाजत है, दूसरे ने कहा मुझे भी गुसल की हाजत है, तो काफिला बड़ा था, उनने कहा अब क्या करेंगे? उनने कहा कि पानी तो है नहीं, उसने कहा तयम्मुम कर लेंगे, क्या करेंगे? उसने कहा कि वजू का तयम्मुम तो इस तरह होता है, यानी कि बस चेहरों पर चेहरे पर हाथ फेरना है और दोनों पाँव बाजू के ऊपर। उसने कहा हाँ ये तो है, लेकिन गुसल के बारे में तो मालूम नहीं। उसने कहा ठीक है मैं ऐसा कर लूँगा। तो वो ज़रा दूर गए और कपड़े निकाले तन्हाई में, और जो है वो रेत के ऊपर लोट पोट गए, पूरे बदन पर रेत लगाई, कहा कि भाई वो तो वजू का तयम्मुम है, ये तो गुसल का तयम्मुम है। दूसरे ने कहा कि भाई मैं तो इतना ही तयम्मुम कर लूँगा, इससे ज़्यादा मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मसला अभी उनके सामने पूरी वजाहत के साथ नहीं आया था, वरना तो जाहिर सी बात है दोनों मुत्तफिक होते जी। उसके बाद जब मसला मालूम कर लिया तो उन्हें कहे अल्लाह के नबी से मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने ऐसा किया। आपने फरमाया इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, बस इतना काफ़ी था। इतना मतलब यह है कि वजू का तयम्मुम और गुसल का तयम्मुम दोनों एक ही है, दोनों में फ़र्क। अब मसला यह है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा किराम के अंदर इस तरह के वाक़ियात पेश आए, और फिर वो आकर उन्होंने अल्लाह के नबी के पास वो वाक्य सुना लिया, तो क्या रसूल पासम के बाद ऐसे वाक्यात पेश नहीं आ सकते? तो आ सकते हैं पेश, जब पेश आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है, तो उस वक्त तो एक मुज्तहिद की एक राय होगी, दूसरे मुज्तहिद की दूसरी राय होगी। तो इस तरह से उस इख्तिलाफ को ये नहीं कहा गया नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये मज़मूम है, ये उम्मत के ऊपर अज़ाब है, बल्कि फरमाया तो रहमत है। क्या है? वाकई रहमत है। उसका अंदाज़ा होता है हज में, किस में? कैसे रहमत है? इमाम शाफी अलैहि रहमत के यहाँ अगर नामहरम को हाथ लगाए, ऐसे हाथ पकड़े तो उसका वजू टूट जाएगा, बल्कि महरम को भी हाथ लगाएगा तो उसका क्या है, वजू टूट जाएगा। इमाम अबू हनीफ रहमतुल्लाह के यहाँ हाथ किसी के हाथ के साथ लग जाए तो वजू नहीं टूटेगा। अब एक आदमी जो है वो तवाफ़ कर रहा है, तो तवाफ़ के अंदर पाँव के ऊपर पाँव भी पड़ता है, हाथ के ऊपर हाथ भी लगता है, या इसी तरह से बीवी है साथ या वालिदा है, उसका हाथ पकड़ के तवाफ़ करना है ना, तो जब वजू नहीं होगा तो तवाफ़ कैसे हो जाएगा, है ना? वहाँ सब के सब इमाम अबू हनीफ रहमतुल्लाह के मसलक पर अमल कर लेते हैं, भाई इससे वजू नहीं टूटेगा, चलो जाओ कर लो तवाफ़। तो मसला कितना हो गया, तो रहमत ही बन गई उनके लिए कि नहीं? तो इस तरह से इस ये इख्तलाफ मजमूम नहीं है, ये दलाइल की बुनियाद पर होता है। इसी तरह से कभी कभी रिवायतें ही मुख्तलिफ हैं। क्या? बिल्कुल दो रिवायतें साफ हैं। बुखारी शरीफ में बहुत जगह एक ही सब पर दो मुतजाद रिवायतें हैं, मुतजाद। उसमें मैं एक रिवायत आपको सुनाता हूँ। ये मसाइल मुझे बताने नहीं थे, ये तो ज़िमनन ये आगे कि इख्तलाफ जब है तो फिर वो भी इख्तलाफ है, तो वो इख्तलाफ अलग है, इख्तलाफ अलग है। क्या है? आपने फरमाया अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, ये फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, इसके क्या मतलब है? हाजिम किसे कहते हैं? पहले ज़माने में खून निकालते थे, सींगी लगाते थे। क्या? सींगी लगाते थे। यहाँ मैंने खुद भी देखा है अपने कश्मीर में, सींगी लगाते थे यहाँ, हैंग लागन ये तक, तो फिर वो खून निकालता था, मुँह में भरता था, खून इधर लगाता था, उसको उर्दू वाले कहते हैं सिंगी लगाना, अरबी में उसको हजामत कहते हैं। क्या? हजामत। कशीर पर सुना तंबी काट दी। क्या? हाँ, खून सुना तंबी काट दी। ये अहले अरब में बहुत था, आज भी है। आज मशीन के ज़रिए से निकालते हैं, और मैंने मशीन के ज़रिए से भी निकाला है, क्योंकि ये सुन्नत है। क्या है? उन इलाके में तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत पेश आ जाती है, बेशुमार बीमारियों का ये इलाज है। बहरहाल, तो इसको हजामत कहते हैं। आपने फरमाया कि रमज़ान के महीने में, क्या रमज़ान के महीने में ये अमल कोई करेगा
तो जो ये पशने लगवाता है, वो जो खून निकालता है, उसका रोज़ा भी टूट गया, और जिसका खून निकाला उसका रोज़ा भी टूट गया। अफ्तर अल हाजुम वल महजूम अमिक माने गो कि खुद गो दुहिल खात इत गो, ये रिवायत है बुखारी शरीफ में, बिल्कुल मुस्तनद है। तो वही उसी सफ़े पर रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में क्या एक सहाबी को बुलाया और उसे कहा कि मेरे पशने लगवा लो, यानी एस्कड्यू या सही है खून मुबारक ने खून अकदस, तो उसने सिंगी लगाई और उस खून को क्या कर लिया। सवाल यह कि आपने खुद फरमाया कि इन दोनों का रोज़ा टूट गया, तो यहाँ रोज़ा क्यों नहीं टूटा, ना उसका टूटा ना हजरत का टूट गया, और रमज़ान का महीना है। आप मुझे बताइए, वो भी इरशाद है और ये अमल है अल्लाह के नबी सुन का। अब क्या करेंगे, इमामी बुखारी अलैहि रहमतुल्लाह ने भी अपने एतबार से जवाब दे दिया, उन्होंने कहा दोनों रिवायतें सही हैं, लेकिन हम तरजीह देते हैं उस रिवायत को कि जिससे रोज़ा नहीं टूटता रोज़ा, ये उन्होंने फैसला सुनाया। ये नहीं फरमाया कि वो गलत है, फरमाया वो भी सही है ये भी सही, सही कैसे हो सकते हैं। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह देख लीजिए, आपने फरमाया देखो हर हुक्म जो है उसके लफ्ज़ी तर्जमा मकसद नहीं होता है, हर लफ्ज़ का तर्जमा लफ्ज़ी तर्जमा मकसद नहीं होता। अफ्तर अल हाज वल माजूम ये भी सही है क्या, और वो जो अमल किया आपने वो भी सही है, तो यानी इसको मनसूख मानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या अफ्तर अल हाज वल माजूम ये शफ़क़त और एहतियात है, आपने फरमाया रमज़ान के महीने में अगर ये सिलसिला चल पड़ा और सब लोग ये करना शुरू कर देंगे तो जो खून निकाल रहा है मुँह में भर रहा है, तो क्योंकि बार बार खून भर रहा है किस में, मुँह में, तो एहतियात के ख़िलाफ़ है, क्या है एहतियात के ख़िलाफ़ है, तो उसको फरमाया कि तुम्हारा तो रोज़ा ही जाएगा या गया, और जिसका खून निकाला गया उसमें कमज़ोरी आएगी, क्या आ जाएगी, इसलिए आपने फरमाया कि भाई ये मत कर लो, ये तो शफ़क़त के लिए आपने फरमाया, एहतियात के तौर पर इसको फरमाया, शफ़क़त के तौर पर उसको फरमाया कि ऐसा अमल बाद में कर लो, या यह है कि दिन में मत करो इसके बाद कर लो, क्योंकि उसको कमज़ोरी आएगी, भूख लगेगी, ये बार बार जो है खून मुंह में भर रहा है, तो ज़ाहिर सी बार बार खून में भर जाएगा, तो इसलिए ये फरमाया। असल हुक्म तो ये है, असल हुक्म तो कि रोज़ा टूटता नहीं, रोज़ा टूटता। तो इस तरह से कितनी रिवायतें हैं, कितने कुरान पाक की आयतें हैं, जिसका एक मतलब ये भी निकलता है, एक मतलब ये भी निकलता। तो ये जो फुकाए किराम के अंदर जो ये उसूल सब के एक जैसे हैं, उसूलों में कोई फ़र्क नहीं, बस यही है कि इज्तिहाद में कोई फ़र्क है, इसलिए इसको टुकड़ा कहेंगे नहीं, कहेंगे टुकड़े हो गए नहीं। अब ये अलग मसला चार ही क्यों है, क्या असल में इमाम चार ही नहीं है, इमाम तो सैकड़ों आए हैं, इसे कि इमाम गजाली भी इमाम है, इमाम जुफर भी इमाम है, इमाम अबू यूसुफ भी इमाम है, इमाम मोहम्मद भी इमाम है, तो लेकिन वजह यह है कि ये जो चार हजरत हैं इनका फ़िका मुदव्वन हो गया, क्या वरना किसी इमाम ने तो 10-20 मसाइल बयान किए, वो इस तरह से इज्तिहाद से दुनिया से चला गया, आगे उनका सिलसिला चला नहीं, किसी ने और कुछ इज्तिहादी मसाइल बता दिए, आगे शागिर्द नहीं मिले और वो सिलसिला चला नहीं, आखिर में जाके इन चार हजरात का जो ये चार मसालिक हैं इनका सिलसिला पूरा फैल पड़ा और पूरा मुदव्वन हुआ पूरा, और इनमें भी सबसे अव्वल दर्जे का इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इसलिए कि उनके जितने शागिर्द मिले हैं इतने और किसी को शागिर्द नहीं है, यह इसलिए मैं तारीफ नहीं करूँ, मैं हनफी हूँ नहीं, यह लिखा है मुहक्किकीन ने, किन्हीं ने, फिर मुहक्किकीन ने यह भी लिखा है कि बाकी मसालिक वो तो हर शख्स की अकेले की मेहनत है, इमाम शाफी अलैहिर्रहमा की अपनी मेहनत है, इमाम अहमद बिन हम्बल की अपनी मेहनत है, इमाम मालिक अपनी मेहनत है, लेकिन इमाम अबू हनीफा ये जब मसला लिखते थे तो 40 आदमियों का कि एक जमात बैठती थी, कितने आदमी की 40, उसमें हकीम भी होते थे, उसमें लुगत के माहिर भी होते थे, मसूस में इमाम मोहम्मद होते थे, इमाम जुफर होते थे और इमाम अबू यूसुफ होते थे, बड़े बड़े इमाम होते थे ये सारे, तो एक मसले को उठाकर उस पर तो बहस होती थी, क्या तमाम रिवायतें सामने आकर फिर जो है जब मुत्तफिक होते थे ये सारे हजरात तब उसको लिखा जाता था। इसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जो फिका है ये किसी एक आदमी का नहीं, इसी वजह से ज़ाहरी तौर पर बज़ाहिर लगता है कि यह मसला हदीस के ख़िलाफ़ है, ये मसला हदीस के, लेकिन जब सारी रिवायतों को सामने रख लेते हैं कहते हैं असल मकसद तो असल मसला तो यही है। फिर चार ही क्यों रहे, वल्लाहु आलम, चार अल्लाह को बहुत पसंद है, किसी दिन मैं अर्ज़ कर दूंगा, आसमानी किताबें बेशुमार हैं, चार का तज़किरा अल्लाह ने किया, फरिश्ते बेशुमार हैं, चार का तज़किरा अल्लाह ने, चार ही फरिश्ते हैं ना, ऐसे ही खुलफाए राशिदीन वो भी चार हैं,
और वो अल्लाह के नबी की खास खसूसी दोस्त वो भी क्या हैं, चार ही हैं। इसे ज़ाहिरी मस्तक भी चार ही हैं, बातनी मस्तक भी चार, ये चार चार बहुत है कुरान पाक और हदीस में। किसी दिन इंशाल्लाह मौका होगा तो मैं वो आपको तफसील बता दूंगा। इसलिए यहाँ फरमाया कि मेरी उम्मत का यह इख्तिलाफ़ यह रहमत है। क्या है? ये कोई जहमत नहीं है, ये कोई झगड़ा नहीं है। फिर दूसरी बात है, सवाल ये चारों में से कौन हक पर है? चारों में से ये चारों हक है। किस तरह से? जैसे वो साहबा भी हक थे जिन्होंने रास्ते में नमाज पढ़ ली, और वो भी हक में जिन्होंने कज़ा की। हालांकि कज़ा करना तो गुनाह कबीरा है ना, लेकिन उनको एक गुनाह भी उनके नामा में नहीं लिखा गया, तो वो वहाँ पहुँचे, तो वो भी हक पर है, ये भी हक पर है। इस तरह चारों मसालिक क्या हैं? हक। अब सवाल, जब चारों मसलक हक हैं तो कभी इससे थोड़ा ले लिया, कभी इससे थोड़ा ले लिया, फरमाते नहीं, फिर तो वो नफ्स की तकलीद हुई। किसकी? अहिमा की नहीं हुई। इसलिए कि जो जिस मसलक पर चल रहा वो चले। फिर दूसरी बात ये भी देखना है किस मुल्क में कौन सा मसलक राइज है, किस इलाके में कौन सा मसलक राइज है जी। तो फिर उसमें दूसरा मसलक लाएंगे तो ये तो गोया कि इख्तलाफ करना हुआ। क्या? हाँ, मसलन इंडोनेशिया है, सारे के सारे शवाफ़ है। तुर्किया है, सारे के सारे हसाव विजद हनफी हैं। क्या है? वहाँ कोई इन इख्तलाफी मसाइल को उठाकर और छोटे छोटे मसाइल को फिर अपनी अलग मस्जिद बना लेगा, हम कहेंगे अब तुमने इख्तलाफ किया, वरना ये इख्तलाफ नहीं था, यही तो कहेंगे उसको। तो जो जहाँ है, जिस तरह से चल रहा है, जहाँ काजी आए हैं, जहाँ लोगों ने इस्लाम पहुँचाया है, बाज़ लोग कहते हैं अगर कहा नौ मुस्लिम सुबह मुसलमान सुखा बन। मैंने कहा यह कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है। मैंने कहा कि भाई हनफी मसलक के हाथ पर मुसलमान हो जाएगा तो वो उसको हनफी बनाएगा, इसलिए कि वो भी हक है। अगर वो उस मुल्क में है जहाँ शाफिल मसलक है, उसी के हाथ पर किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो उसको उसे ऐसी तालीम दे देगा, तो शाफी बन जाएगा तो वो भी जन्नत में जाएगा, हनफी बन जाएगा तो वो भी जन्नत में जाएगा। ये भी चारों मसालिक क्या हैं? हक हैं, और असूल सबों के क्या हैं? एक जैसे हैं। असूल यही है कि अहले सुन्नत वल जमात हनफी भी हैं, शाफी भी हैं, मालिकी भी हैं और हम्बली भी हैं। इन चारों में वे एक भी अहले सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं है, और ये बहुत बड़ी दलील है। ये हजरात जो है ये कुरान पाक को भी मानते हैं, अहादीस को, इजमाई उम्मत को भी मानते हैं। किसको? इजमाई सहाबा को भी मानते हैं। यही वजह है कि दो अजानें हैं ना, ये दो अजानें जो जुमे को दी जाती हैं, चारों मसलक वाले मानते हैं। हनफी मसलक में दो अजानें, शाफी मसलक में दो अजानें, मालिकी मसलक में दो अजानें, हम्बली मसलक में दो जी दो अजानें हैं। किसी ने एक अजान का इनकार नहीं किया इन चारों में से। और हरम शरीफ में भी दो अजानें, किस में? जी खाने का दो अजानें जुमे के दिन, और मदीना तैयबा में दो अजानें। इसी तरह से इन्होंने किसी ने इख्तलाफ नहीं किया तरावी के बारे में, बिल्कुल नहीं। 20 रकतें मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी में, और सिर्फ सुना नहीं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आया हूँ, मक्का शरीफ में 20 रकतें। ये तो है पहले 20 दिनों में, कितने? 20। आखिरी जो आते हैं आखिरी 10 दिन, उसमें क्या नहीं, 30 रकतें यहाँ, 30 रकतें वहाँ, उसको ईशा के बगैर। क्या जी? ईशा के बगैर, सुन्नत के बगैर, वितर के बगैर 30 रकतें जमात के साथ यहाँ, 30 रकतें। तो 30 कैसे पढ़ेंगे? वो आखिरी जो 10 दिन आते हैं उनमें तरावी जब पढ़ी जाती है तो वितर नहीं पढ़ते हैं। वितर पढ़ते। वितर भी रख लिया, उसके बाद छुट्टी दे दी, जाओ एक डेढ़ घंटे का रेस्ट है। अब कोई तवाफ़ करता है, कोई नाश्ता कर लेता है, कोई थोड़ा सा लेट जाता है, जो जिसकी मर्जी है। उसके बाद सलातुल लैल शुरू हो जाती है। क्या जी? उस सलातुल लैल में वो अलग से तिलावत करते हैं, और उसके रुकू लंबे, सजदे लंबे, बहुत लंबे रुकू रख समझ। उसमें 10 रकतें पढ़ते हैं जमात के साथ, कितनी? 8 भी नहीं, 10 रकतें। तो 20 तो ये हुई और 10 तो हुई, 20 और 10 कितनी होगी? 30। 30 और आप ये मिला लीजिए फिर, चार ये और वितर की 3, कितने हो गए? 30 और 37 रकतें। क्या? 37 रकतें जमात के साथ पढ़ी जाती है। इसलिए किसी भी इमाम ने, किसी भी मसलक वाले ने इजमाए सहाबा का कभी इनकार नहीं किया। इसे चारों मसलक वाले अहले सुन्नत वल जमात हैं। इनका इख्तिलाफ जो है फुरूई इख्तिलाफ है, और वो भी हक, ये भी हक, ये भी हक, ये भी हक, लिहाजा ये कोई झगड़ा वाला मसला नहीं है। तो इसको फरमाए इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन। और आपको ताज्जुब हो जाएगा, सऊदी अरबिया में जो अदालतों में जो अक्सर फैसले होते हैं ना, हालांकि हैं तो वो हम्बली, क्या हैं? हम्बली, लेकिन बेशुमार जो अदालती मसाइल हैं उसमें वो फैसला देते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के कौल के ऊपर। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो दुनिया में अक्सर बेशतर की है मुसलमानों ने, उसमें जो काजी होते थे सब अहनाफ होते थे। क्या होते थे? इसलिए कि अहनाफ के जो किताबें ये मुदवन हैं,
और आपका ताज्जुब हो जाएगा, जो आजकल ये पढ़ते हैं ना, ये एलएलबी कर लेते हैं ना, उनमें जो मुस्लिम फरसन ला है ना, उनके लिए वो जो किताबें पढ़ लेते हैं वो क्या है, वो जिसमें ना मुस्लिम उसमें आता है तलाक, निकाह और हिबा और खुला, ये सारी चीज़ें ये वो कला पढ़ लेते हैं, वो हनफी की एक किताब का इंग्लिश तर्जमा है, क्या है उसका नाम हिदाया है, क्या हम लोग हिदाया को अरबी में पढ़ लेते हैं, वो लोग उसी हिदाया को क्या पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, तो यहाँ भी हनफी है वो भी हनफी है, इसलिए तो वहाँ भी हनफी मसलक के एतबार से क्या होते हैं, फैसले दिए जाते हैं, कि इसलिए हनफी मसलक में जो है सिर्फ इबादत का मसला नहीं है, इबादत के लिए तो रिवायतें सबों के पास हैं, लेकिन जो झगड़े हैं वहाँ आपस में जो हो जाते हैं, मसलन कि जो केसेस जो होते हैं उसमें जो तफसीलात लिखी हैं वो किसने लिखी है, हनफी मसलक वालों ने लिखी है। एक आदमी ने एतराज़ किया था मुझे एक मरतबा, किताब दिखाई, कहने इस किताब में लिखा है, मैंने कहा क्या लिखा है, इस किताब में लिखा है कि अगर किसी के साथ अल्लाह ताला बचाए ज़बरदस्ती वो हो जाए जिना बिल जबर, इसमें ये लिखा ये करना चाहिए। मैंने कहा आजकल भी तो यही है, आजकल उसको मेडिकल टेस्ट कहते हैं क्या, मैंने कहा इन्होंने तो सदियों पहले वही लिखा है, मेडिकल टेस्ट कर लो, हो सकता है ये इल्ज़ाम लगाता हो, ये औरत इस पर क्या लगाती हो इल्ज़ाम। मैंने कहा आजकल जो मेडिकल टेस्ट उस पर तो आपको परेशानी नहीं होती, ये तो उस ज़माने के एतबार से इन्होंने लिखा है ताकि ये पता चल जाए कि ये शख्स बरी है या बरी नहीं है। मैंने कहा ये तो कमाल है उन फुकाह का, और आपको यही कमाल जो है नज़र आया क्या, ये खामी नज़र आई। मैंने कहा ये हनफियों के यहाँ ही है और किसी के यहाँ नहीं है, छोटे छोटे मसाइल लिखे हैं उन्होंने जी। तो बहरहाल ये आयत इसमें फरमाया कि या तो अजाब आएगा कहाँ से, ऊपर से, या तो अजाब आ जाए कहाँ से, नीचे ज़मीन से, या तो अजाब होगा अल्लाह ताला बचाए आपस में किसकी वजह से, इख्तिलाफ की वजह से, और जो झगड़ा हो जाएगा, ये तीन अजाब इसमें आ गए। इसको बंद करो।